नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है चार्ली और हैटी केली की। चार्ली हैटी केली, बात तब की है जब चार्ली चैंपियन ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखे थे। 19 की उम्र के चैंपलिन को पहली बार प्रेम हुआ। वह लंदन में रंगमंच करते थे और 15 साल की वह लड़की भी उसी थिएटर में नर्तकी थी। उसका नाम था हैटी केली। जब चार्ली ने पहली बार उसे देखा, वह रिहर्सल कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने चार्ली को बुलाकर अपना आईना थमा दिया। उसमें देखते हुए बाल बनाने लगी। इतने से देर में चार्ली ने प्रस्ताव दे दिया, रविवार को मेरे साथ घूमने चलोगी? इस पर लड़की खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुमने अपनी नाक पे ये लाल रंग की गेंद क्या लगा रखी है? मुझे यह भी नहीं पता कि जोकर के पीछे तुम्हारा असली चेहरा क्या है। अगले रोज चार्ली ने शो के बीच में अपनी फोटो दिखाई और वह मिलने के लिए राजी हो गई। यानी हैटी केली चार्ली से मिलने को राजी हो गई। रविवार को जरूरत से ज्यादा उत्साहित चार्ली उस लड़की को प्रभावित करने की तमाम कोशिशें कर रहा था। बड़ी बड़ी बातें, दिलकश अदाकारियां, लड़की बस मुस्कुराती रही। चार्ली उसे महंगे रेस्टोरेंट में ले गया, लेकिन वह तो घर से खाना खाकर आई थी। दोनों टेम्स नदी के किनारे टहलते हुए बातें करते रहे। उस मुलाकात से चार्ली इतना खुश था कि हैटी को घर छोड़ने के बाद लौटकर वापस टेम्स के किनारे आया और जेब में जितने पैसे बचे थे वहां सोए भिखारियों को दान कर दिया। चार्ली के मन में अपनी प्रेमिका के लिए जितनी कल्पनाएं थी, हैटी के लिए सबका साकार रूप थी। 3 दिन तक दोनों मिलते रहे, साथ टहलते बतियाते रहे, लेकिन चौथे दिन सब कुछ बदल गया। हैटी केली का व्यवहार रूखा व उदासीन था। चार्ली ने उसे कहा, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने जवाब दिया, तुम 19 के हो, मैं 15 की, हम दोनों में बहुत अंतर है। बात बढ़ती गई, बातों की गर्मी भी बढ़ती गई। चार्ली बार बार पूछता रहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वह हर बार कहती, मुझे नहीं पता। क्रोध में आकर चार्ली ने कहा, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब तुम नहीं करती। बस बहुत हुआ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा कहकर चार्ली ने उम्मीद की थी कि हैटी केली उसे रोकेगी, पर यह क्या, वह खामोश खड़ी रही। चार्ली वहां से चला गया। घर लौटकर चार्ली को अपने व्यवहार पर अफसोस हुआ। वह अगले रोज हैटी केली के घर गया। दरवाजे पर ही उसकी मां ने डांट लगाई, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ कल? कल वो रोते हुए घर लौटी और रोते रोते ही सो गई। अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल सकते। चार्ली ने अलग अलग तरीके से मनोहार की, तब उसे हैटी केली से मिलने दिया गया। देर तक सोते रहने के कारण उसकी आंखें धुली व ताजा लग रही थी, लेकिन उसमें एक घायल उदासीनता साफ दिखाई दे रही थी। क्या कहूं, चार्ली को सूझा ही नहीं। अटकते हुए उसने दो बार एक ही बात पूछी, मैं तुम्हें फिर से अलविदा कहने आई हूं। दोनों बार हैटी ने कहा, ठीक है, अलविदा। चार्ली उसके घर से बाहर निकल गया। पीछे से एक दरवाजा धीरे धीरे बंद होने की आवाज सुनाई देती रही। यह 1908 का बरस था। चार्ली इसके बाद हैटी केली से कभी नहीं मिला, लेकिन 3 दिनों का यह प्यार उसके पूरे जीवन पर हावी रहा। वह उसे कभी नहीं भुला पाया। उसकी फिल्मों की अधिकांश नायिकाएं हैटी केली का ही प्रतिरूप है, उसी की तरह चलती हुई आंखें झपकाती। उसे ताउम्र अपने व्यवहार का अफसोस रहा। वह सोचता रहा, मैंने एक बार भी हैटी केली को यह बताने की कोशिश नहीं की कि सिर्फ 3 दिनों में ही मैं उससे इतना प्यार करने लगा, लेकिन हर बार उससे यह पूछता रहा कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जो बातें उसे खुद कहनी चाहिए थी, उसे सामने वाले से सुनने की उम्मीद करना दरअसल एक आत्महंता नादानी है। चार्ली ने अपना पहला प्यार इसी नादानी के चलते खो दिया। यही नहीं, एक ही झटके में उसने वो सारे पुल तोड़ दिए जिनसे वह हैटी केली तक दोबारा पहुंच सकता था। 1921 में अमेरिकी सुपरस्टार बनने के बाद जब वह लंदन लौटा तो पाया हैटी केली 3 साल पहले ही मर चुकी है। अब उसे याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्यार और रिश्ते दो ऐसी चीजें हैं जहां गुंजाइशें हमेशा बनी रहनी चाहिए। एक ही बार में सारे पुलों को जला देना महज एक अबोध विध्वंस है। तो कैसी लगी ये कहानी, दिल को